हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पुनः आप लोगों के लिए वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को लाए हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। इसे ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है। वेक्टर का यानी कि अदिश गुणनफल क्या होता है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को जानते हैं कि क्या होता है। पहला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए, मॉड ए मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थेटा। इसे हम लिख सकते हैं मॉड ए से ए बी कॉस थेटा, यानी कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो गया ए बी कॉस थेटा। दूसरा इस प्रकार से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ए मॉड वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का मॉड अलोंग ए हो जाएगा। तीसरा है इस प्रकार से वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी का मॉड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का मॉड अलोंग वेक्टर बी। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए, ये इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पांचवा, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है या वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर लंब होता है तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। छठा है इसी का रिवर्स, इफ़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, यानी कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है, तब क्या होगा। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो खास करके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये वन होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वन होता है, समान में वन, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये वन होता है। दूसरा है आई इंटू जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जीरो। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर के इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर आई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू, ए इस प्रकार से इसको गुना करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। नेक्स्ट है वेक्टर ए का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग
ये महत्वपूर्ण सूत्र को जाने जो वेक्टर से संबंधित है, खासकर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का ये सभी सूत्र है, तो आप इसे स्मरण रखें जिससे कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट संबंधी कोई भी प्रश्न आसानी से बन सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार मैथमेटिक्स से जुड़े सारे वीडियो आपको मिलते रहे, यानी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट मी। धन्यवाद।